नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। क्या चिकन विंग्स और फास्ट फूड किसी इंसान की जिंदगी ले सकते हैं? आज के हमारे हीरो चार्ली को इनकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, पर उसका कैमरा ऑफ है। इस पर वो टीचर कहता है कि उसका कैमरा खराब हो चुका है, इसलिए उसे कैमरा ऑफ रखना पड़ता है। अगले सीन में हम उस टीचर चार्ली को देखते हैं, जो कि एक 250 किलो का भारी भरकम इंसान है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने लैपटॉप में कुछ एडल्ट वीडियो चलाता है और खुद का एंजॉयमेंट करता है। अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और वो अपना चेस्ट पकड़कर कराने लगता है, उसे हार्ट अटैक आया था। तभी एक प्रीचर उसके अपार्टमेंट में आता है। चार्ली उसे एक ऐसे देता है और पढ़ने के लिए कहता है। वो शख्स बिना कोई सवाल जवाब किए चार्ली के लिए वो ऐसे पढ़ने लगता है। इस लड़के का नाम था थॉमस। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं, पर चार्ली इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद चार्ली के पास उसकी दोस्त लीज आती है। वो चार्ली का ब्लड प्रेशर चेक करती है और कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर चार्ली इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि उसके पास इसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। वो लड़का ये सब बातें सुन रहा था। लीज जब चार्ली के उठने और वॉशरूम जाने में उसकी हेल्प करती है, तो वो लड़का ये काफी गौर से देख रहा था। प्रीचर के समुदाय के कारण चार्ली ने अपने काफी करीबी लोग खो दिए थे। उसके बाद से ही उसने खुद की हालत खराब करनी शुरू कर दी। लीज फिर से चार्ली से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर चार्ली का जवाब अब भी वही था, वो कहीं नहीं जाना चाहता था। इसके बाद दोनों टीवी देखने बैठ जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद चार्ली कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। उसके हाव भाव देख कर लीज समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। वो खड़ी होती है और उसे बहुत सारा फ्राइड चिकन लाकर देती है। आधी रात को जब चार्ली की आंख खुलती है, तो वो अपने चिकने चुपड़े हार्ड टी शर्ट पर पहुंचता है और अपना ऐसे पढ़ने लगता है। ये ऐसे किसी जायंट वेल के बारे में था। चार्ली सोचता है कि वो भी इसी वेल की तरह दिखता होगा। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और वॉकर की मदद से बेडरूम में जाता है। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे बेड पर फिट होने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अगली सुबह चार्ली उठता है और अपने लैपटॉप में ब्लड प्रेशर स्पाइक्स और मोटापे के नतीजों के बारे में पढ़ता है। इसी बीच वो साथ साथ में कैंडी बार्स भी खाता रहता है। चलने में काफी दिक्कत होने के बावजूद चार्ली नहाने जाता है और एकदम साफ सुथरा होकर नए कपड़े डालता है। चार्ली पक्षियों के लिए कुछ फूड डालता है, तभी डोरबेल बजती है। चार्ली की बेटी एली वहां आती है। जब चार्ली ने अपनी पत्नी को छोड़ा था, उसी समय वो अपनी बेटी से दूर हो गया था। एली काफी खतरनाक नजरों से उसकी ओर देख रही थी, पर चार्ली उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उसे बैठने के लिए कहता है। वो कभी कभी अपने पिता के पास आती और दोनों साथ में साहित्य पढ़ते। चार्ली अपने सेव किए गए पैसे भी उसे दे दिया करता। एली चार्ली के पास आती है और उसके वॉकर को दूर करती है और कहती है कि क्या तुम इसके बिना चल सकते हो। चार्ली चलने की कोशिश करता है, पर वो वहीं गिर जाता है। एली अपने पिता को उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाती है। चार्ली एक पिज्जा ऑर्डर करता है। ऐसा लग रहा था मानो वो खा खा कर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता है। शाम के समय उसकी दोस्त लीज फिर से उसके पास आती है। वो उसके हार्ट की कंडीशन देखती है और उस अपार्टमेंट को क्लीन करती है। वो टेबल पर एक ऐसे देखती है जिसे एली भूल गई थी। वो उसे डांटती है और कहती है कि तुमने अपनी एक्स वाइफ के मना करने के बावजूद अपनी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया। इसके बाद लीज उसे एक बड़ा सारा हॉट डॉग लाकर देती है। चार्ली के गले में एक बन का पीस फंस जाता है। उसकी हालत काफी खराब होने लगी थी। लीज जल्दी से उसके पास आती है और उस पीस को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। चार्ली जब क्लास ले रहा था, तो उसे अपने बुक सेल्फ में कोई दोस्त की फोटो मिलती है। ये देखकर वो एक लॉक्ड रूम की ओर जाता है, जहां उसने अपनी बहुत सारी यादें संजो कर रखी थी, पर चाबी नीचे गिरने के कारण उसे उठाना काफी मुश्किल हो रखा था, इसलिए चार्ली वापस लौट आता है। एली फिर से अपने पिता से मिलने आती है, पर उसका बिहेवियर अभी भी काफी रूड था। चार्ली अपनी एक्स वाइफ के बारे में कुछ पूछने लगता है, तो उसकी बेटी उसे इग्नोर करती है। वो कहती है कि आपने परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। उसे बस चार्ली के साथ थोड़ी सिंपैथी थी। अपने दोस्त को खोने के कारण चार्ली काफी डिप्रेस्ड हो गया था और इसी वजह से लगातार उसका वजन बढ़ता रहा। वो चार्ली से पूछती है कि आपके दोस्त की मौत कैसे हुई, पर चार्ली इसके लिए मना कर देता है और अपने टॉपिक लिटरेचर पर आता है। वो अपनी बेटी को एक ऐसे लिखने के लिए कहता है और खुद बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में रोने लगता है और अपनी आवाज छुपाने के लिए पानी चला देता है। एली जब उसके पास आती है, तो उसे सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। तभी डोरबेल बजती है। एली दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो प्रीचर बॉय थॉमस वहां चार्ली की कोई मदद करने आया था। इसके बाद एली थॉमस को अपने डैड के पास छोड़कर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली थॉमस के पास बैठा बातें कर रहा है। थॉमस कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस चीज से मुक्ति पा सकते हो, पर चार्ली मना करते हुए कहता है कि तुम बस मुझे मेरी चाबी उठा कर दे दो, इतनी मदद काफी होगी। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी लीज वहां आ जाती है।
वो अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी जो कि एक व्हीलचेयर थी। थॉमस को देखकर लीज को काफी गुस्सा आता है तो चार्ली उसे शांत करते हुए कहता है कि मैंने इसे बुलाया था। व्हीलचेयर पर बैठकर चार्ली काफी खुश हो जाता है। तभी लीज बाहर आती है और थॉमस से कुछ बातें करती है। वो उसे कहती है कि आज के बाद यहाँ तुम कभी मत आना। थॉमस थोड़ी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि मैं चार्ली का स्पिरिचुअल एडवाइजर बनना चाहता हूँ क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वो बताती है कि उसका पिता काफी धार्मिक था और इसी वजह से उसके भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके चलते उसके भाई ने जिंदगी खत्म कर ली। यहाँ लीज अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में थॉमस से कहती है कि तुम चार्ली की जिंदगी से दूर चले जाओ। ये सब चार्ली सुन लेता है और अपनी दोस्त को शांत होने के लिए कहता है। जब लीज वहां से चली जाती है तो चार्ली अपने रूम में आता है पर वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि व्हील चेयर काफी चौड़ी थी। मजबूरन वो वापस हॉल में आता है। चार्ली एक पिज्जा ऑर्डर करता है और टीवी के सामने बैठकर पिज्जा खाने लगता है। उसी समय वो टेबल पर रखी एक नोटबुक उठाता है जिसमें ऐसे की बजाय तीन रूट सेंटेंस लिखे हुए थे। इन पर गुस्सा होने की बजाय चार्ली हंसने लगता है। हंसते हंसते चार्ली को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। चार्ली खुद को शांत करने के लिए द व्हेल वाला ऐसे याद करता है और खुद को शांत करता है। इससे उसे दर्द में काफी मदद मिलती है। अगले दिन एली फिर से अपने डैड के पास आती है। वो उसे वापस लिखने के लिए कहता है। आज चार्ली अपनी बेटी के साथ कुछ दिल की बातें करना चाहता था पर एली अभी भी चार्ली से काफी रूड बर्ताव कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्यों 8 साल पहले चार्ली ने उन्हें छोड़ दिया था। चार्ली कहता है कि मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी इस हालत के साथ मुझे कोई नहीं चाहने वाला। एली फिर से फ्रीज के पास जाती है ताकि अपने डैड के लिए कुछ खाने को ला सके। वो चार्ली को एक सैंडविच देती है और सैंडविच खाते खाते ही चार्ली को नींद आ जाती है। उसके सोने के बाद एली अपार्टमेंट में इधर उधर छानबीन करती है तभी डोरबेल बजती है। थॉमस फिर से वहां आता है। एली उसे अंदर की ओर लाती है और बताती है कि मैंने सैंडविच के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। लड़की का बिहेवियर देखकर थॉमस काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से जाने लगता है पर एली उसे रोक लेती है। वो उसे सिगरेट पीने के लिए कहती है और जब वो सिगरेट पीने लगता है तो एली उसकी फोटो खींच लेती है। वो थॉमस से उसकी सच्चाई के बारे में पूछती है। थॉमस काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। वो भागकर खुद को चार्ली के पर्सनल रूम में लॉक कर लेता है। वो दरवाजे के दूसरी तरफ से बताता है कि मैं सच में अपने धर्म के लिए काम करता था पर आखिर में वो इन सबसे परेशान हो गया। इसके चलते उसने बहुत सारे पैसे चुराए और वहां से भाग गया। थॉमस भावना में बहकर सब कुछ बताने लगा। एली ये सब रिकॉर्ड कर रही थी पर लड़की को ये नहीं पता था कि वो कहानी सुनाते सुनाते चार्ली के रूम की तलाशी ले रहा था। वो एक बुक निकालता है और चार्ली की पर्सनल फोटोज देखता है। तभी लीज अचानक एली की मॉम मेरी को लेकर वहां आ जाती है। एली की मॉम अपने हस्बैंड की यह हालत देखकर काफी मायूस हो जाती है। थॉमस वहां से भाग जाता है और एली एक्सेप्ट करती है कि उसने अपने पिता को स्लीपिंग पिल्स खिलाई थी। चार्ली वापस होश में आता है और लीज उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। यहाँ सबको पता चलता है कि चार्ली एली को उससे मिलने के लिए पैसे दिया करता था। ये सुन लीज काफी हर्ट होती है। वो हमेशा उसके लिए फ्री में काम करती रही क्योंकि उसे लगता था कि इसके पास कोई पैसे नहीं है। गुस्से में लीज वहां से निकल जाती है। मेरी अपनी बेटी को वहां से जाने के लिए कहती है। वो अपने पिता पर चीखती है और वहां से निकल जाती है। अब रूम में चार्ली और उसकी वाइफ बचे थे। दोनों आपस में बातें करते हैं तो वो बताती है कि मैंने हमेशा तुम्हें एली से दूर रखा क्योंकि उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए वो एली को चार्ली से दूर रखती ताकि वो उसके बिहेवियर के चलते हर्ट ना हो। इसके बाद मेरी चार्ली को एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है जिसमें एली ने अपने पिता की फोटो लगाकर उसकी बीमारी के बारे में बता रखा था। मेरी लैपटॉप को साइड में रखती है और चार्ली को अपने दोस्त के खोने पर सांत्वना देती है। दोनों आपस में बातें करते हुए याद करते हैं कि वो एक साथ कितने खुश थे। चार्ली उसे बताता है कि उसकी जिंदगी बस अब खत्म होने वाली है। वो कहता है कि तुम एली को कभी मत छोड़ना ताकि मैं ऊपर खुशी खुशी जा सकूं। मेरी वहां से चली जाती है। चार्ली फिर से अकेला था। वो देखता है कि पक्षियों को खाना देने वाली प्लेट टूटी पड़ी है। इससे वो काफी दुखी होता है। डिलीवरी मैन फिर से पिज्जा लेकर आता है। वो चार्ली को देखता है जो कि अब काफी उदास दिख रहा था। वो एक साथ दोनों पिज्जा खाता है और स्टूडेंट चैट रूम पर एक एंग्री मैसेज छोड़ता है। वो लगातार जंक फूड खाने लगता है जिससे कि वो अपनी जीवन लीला जल्दी समाप्त कर सके। वो तब तक खाता रहता है जब तक वो बीमार नहीं पड़ता। तभी थॉमस वहां आता है और उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहता है कि एली ने उसकी पिक्चर और टेप चर्च में भेज दी जिसके चलते वो अब घर जा सकता है क्योंकि उसके घर वालों और दोस्तों ने उसे माफ कर दिया और वो उसे वापस बुलाना चाहते हैं। वो लड़का चाहता है कि चार्ली सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो उसे एक बाइबल का पैराग्राफ पढ़कर सुनाता है पर चार्ली उसकी बिल्कुल नहीं सुनता क्योंकि उसका मानना था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार भगवान है। चार्ली उसे बाइबल देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। चार्ली की आज लास्ट क्लास थी इसलिए वो कैमरा ऑन करता है और सबको अपनी हालत दिखाता है। चार्ली गुस्से में लैपटॉप को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद लीज वहां आती है और कहती है कि अपनी हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। चार्ली के साथ दोस्ती करने के कारण उसके पिता ने उसके भाई एलन को घर से निकाल दिया था और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। चार्ली अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तभी एली वहां आती है। लीज अंतिम बार अपने दोस्त को हग करती है और बाप बेटी को वहां अकेला छोड़कर चली जाती है।
चार्ली अब अकेला अपनी बेटी एली के साथ था। एली अपने डैड पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपने मुझे गलत ऐसे दिया है। यहाँ पता चलता है कि चार्ली ने एक फेल के बारे में स्टोरी बनाई जो कि एली ने अपनी चौथी क्लास में लिखी थी। लड़की काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि डैड हम हॉस्पिटल चलते हैं, पर चार्ली मना करते हुए कहता है कि क्या तुम आखिरी बार मेरे लिए ये ऐसे पढ़ सकती हो। जब एली ऐसे पढ़ रही थी तो चार्ली अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है और उसकी तरफ कुछ कदम चलता है। चार्ली एली के पास पहुंचता है और वहां से सीधा स्वर्ग सिधार जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीज हिंदी को। धन्यवाद।